नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। मैं हूं शैला। 25 दिन में पैसा डबल, आपने ये डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा। ये डायलॉग फिर हेरा फेरी इस फिल्म का है, जिसमें स्कीम के जरिए पैसे लूटने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश स्थित बालाघाट में सामने आया है, जहाँ पर 15 दिन, 1 महीना या 2 महीनों के लिए पैसे जमा करने होते थे और जमाकर्ताओं को ये आश्वासन दिया जाता था कि उनके पैसे डबल हो जाएंगे। हालांकि ये जुमला ज़्यादा दिनों तक टीक नहीं सका। राशि दुगनी करने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने अलग अलग 3 मामलों में 10 करोड़ से अधिक की राशि जब्त कर इस मामले के कारोबार में लिप्त 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में 3 आरोपी फरार है। बालाघाट जिले के लांजी और किरनारपुर क्षेत्र में लंबे अंतराल से राशि को दुगना करने का कारोबार फल फूल रहा था और यह ऐसा बढ़ गया था कि इसमें पूरा जिला धीरे धीरे लिप्त होते जा रहा था। अधिकारी कर्मचारी से लेकर आमजन सभी हजारों लाखों रुपए 15 दिन, महीना भर और 3 से 4 महीने में धन दुगना होने के लालच में लोग इसमें बहुतायात में निवेश कर रहे थे। इसी मामले में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए लांजी थाने में 2 मामले और किरनारपुर में 1 मामला दर्ज कर आरोपियों से 10 करोड़ से अधिक की राशि जब्त की गई है। मामले में धन दुगना करने और सरगना सोमेंद्र कांकरानी व उसके 3 साथी, इसके साथ ही हेमराज आमाडारे व उसके 4 साथी तथा अजय तिड़के व उसके 3 साथी सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिनों से किरनापुर लांजी क्षेत्र में लगातार पैसे को डबल करने की स्कीम के विषय में जानकारी मिल रही थी, जिसमें 28 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने में पैसा डबल करने के क्लेम्स किए जा रहे थे और इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ था, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही थी। पूरे घटनाक्रम और पूरी जानकारी की तस्दीक के लिए सेपरेट टीम्स बनाकर हमने इसको चेक करवाया और पाया गया कि कुछ लोगों के द्वारा वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना के झांसा देकर 15-15 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम्स एजेंटों के माध्यम से चलाई जा रही है। इसमें पुलिस टीम के द्वारा 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 का एक्ट है, उसके तहत इसमें बिना मान्यता, बिना नियम, बिना वैधता के लोगों से, आम जनों से पैसा कलेक्ट करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसमें लांजी में 2 प्रकरण सोमेंद्र कंकरायने और उनके एजेंट्स के विरुद्ध, दूसरा प्रकरण आमाडारे और उनके एजेंट्स के विरुद्ध और तीसरा किन्हीं चौकी अंतर्गत ग्राम में एक प्रकरण किरनापुर में अजीत तिरके के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है और इन सभी लोगों से अलग अलग राशि जब्त की गई है। अलग अलग ह्यूज अमाउंट में कैश सीज किया गया है इनके निशादेही पे, जो जिसकी कुल लगभग 10 करोड़ से ऊपर का कैश हमने सीज किया है। एक्ट के अनुसार इसमें कार्रवाई जारी है और जैसा हम लोग आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने आरोपी हैं? कुल 11 आरोपी हैं इसमें और अभी 3 फरार हैं, उनकी भी तलाश सरगर्मी से जारी है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आम जनमानस से ये अपील की गई है कि ऐसी स्कीमों से सावधान रहे। बिना पूरी जानकारी और तार्किक आधार के किसी भी क्षेत्र में अपने पैसों को लगाना आपको महंगा पड़ सकता है। मसलन ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर लोग ऐसे लालच में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में एक मुहावरा काफ़ी कारगर नज़र आता है, जो कहता है कि लालच बुरी बला है।
धन्यवाद।